दोस्तों आजकल ये शादी का जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं इनके जो स्टेटमेंट होते हैं लड़का और लड़की के, वो किस प्रकार से लिया जाता है, क्या कटघरे में इनको खड़ा किया जाता है कोर्ट में, क्या नहीं किया जाता है, पूरा प्रोसेसिंग क्या होता है स्टेटमेंट का, मैं आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊँगा। दोस्तों आज की डेट पर कोर्ट मैरिज करना हर कोई चाहता है, शादी होने के बाद भी अपनी शादी को रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना सब कुछ चाहते हैं और ऑन रिकॉर्ड पर अपनी शादी को शो करना चाहते हैं। तो दोस्तों काफ़ी कपल्स के सवाल आते भी रहते हैं, लोका चैनल है, टॉपिक चेंज करना भी जरूरी है, तो अपन कोर्ट मैरिज का जो भी प्रोसेसिंग होता पूरी डिटेल में बनाएंगे और स्टेट टू स्टेट मिलेंगे। सबसे पहला डाउट हर किसी कपल्स को यही माइंड में रहता है कि सर जो कोर्ट में बयानबाजी होगी लड़का या लड़की की बयानबाजी कैसे ली जाती है, लड़के की बयान कैसे लिए जाते हैं। मान लीजिए कोर्ट वाले कहीं पुलिस वाले मिलकर हमको घर पर वापस पहुंचाते हैं, कहीं पर कपल्स क्या होते हैं घर वालों के खिलाफ जाके कोर्ट मैरिज करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो स्टेटमेंट होते हुए कैसे लिया जाता है, क्या कटघरे में खड़ा किया जाता है या नहीं किया जाता है, या कोई और प्रोसेसिंग होता है, इसका पूरी डिटेल में इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों कमेंट में नंबर ना छोड़े अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है। दोस्तों आज बात करेंगे अपन स्टेटमेंट की। देखिए कोर्ट में आपको किसी भी प्रकार से खड़ा नहीं किया जाता, जी हाँ दोस्तों, ये आपके माइंड में भाई सवाल ये होता है कि कटघरे में खड़ा करके हमसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता कोर्ट मैरिज में। कोर्ट मैरिज में क्या होता है कि पहले शपथ पत्र लगता है लड़का और लड़की का, मतलब कि एविडेंस होता है, एफिडेविट पर लिखा जाता है, दोनों के एग्रीमेंट होता है, वहाँ पर सहमति का एक शपथ पत्र दिया जाता है जिसमें आपकी फ़ोटो होती है, कहीं आज की डेट पर डिजिटल फ़ोटो होती है, सिग्नेचर होते हैं डिजिटल, जैसे आधार कार्ड में फ़ोटो ली जाती है इसी तरह से सिग्नेचर वगैरह दे के आपका वकील एफिडेविट जो शपथ पत्र होता है उसको मजिस्ट्रेट SDM साहब के सामने या जज के या रजिस्ट्रार ऑफिस में सामने पेश करता है। अब कहीं पर क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे ये होता है प्रोसेसिंग की कहीं पर ऐसा लगता है SDM साहब को कि इनसे मुझे सवाल जवाब करना है या नहीं करना है, तो उस बाद में कभी कभी आपसे सवाल जवाब पूछा जाता है। तो स्टेटमेंट नॉर्मली पूछा जाता है आपकी डेट जो आपके सिग्नेचर की है उससे, डिजिटल में जो सिग्नेचर है उससे मैच कराना, आपकी फ़ोटो को मैच कराना, ठीक है, आपके शपथ पत्र में जो लिखा गया उसको पढ़कर सुनाना और उसके बाद उस पर सिग्नेचर कराना, ये एक सिंपल प्रोसेसिंग होता है। एफिडेविट दोनों को एग्रीमेंट का पहले देना जाता है, एक शपथ पत्र दोनों का लगता है दोस्तों, उसके बाद मजिस्ट्रेट उस चीज़ को रीड करता है और आपको सामने पेश कराता है, सामने से आपकी सहमति से उस पर सिग्नेचर कराया जाता है कि हाँ ये आपने इसको पढ़ के रीड कर लीजिए। इसके बाद में दोस्तों लगता है SDM साहब को या रजिस्ट्रार ऑफिस में कि आपके से कुछ पूछा जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछ सकते हैं, आपके एड्रेस के बारे में पूछ सकते हैं और आप दोनों का बयान ले सकते हैं कि आप दोनों अपनी किसी भी प्रेशर में थोड़ी हो भाई, किसी के दबाव में आपने शादी थोड़ी कर रही हो। एक सिंपल सा प्रोसेसिंग होता है स्टेटमेंट, यह नहीं कि आपको कटघरे में कड़े कड़े सवाल डेंजर सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपकी फैमिली के बारे में पूछा जाएगा, ना किसी के बारे में पूछा जाएगा, ओनली फॉर आप दोनों के बारे में पूछा जाएगा कि क्या आप दोनों सहमत हो, आपको किसी तरह से कोई ब्लैकमेलिंग नहीं किया जा रहा। जिसे कई बार क्या होता है कि लड़की लड़के को ब्लैकमेलिंग करते ही लड़की को लड़का ब्लैकमेलिंग करता है कोई वीडियो क्लिप ऐसा बना के, तो वह सब कुछ एक फ्रीडम बैन लिए जाते हैं आपके 161 के 164 के पूरे बैन लिए जाते हैं, उसके बाद में आपका पूरा स्टेटमेंट इस तरह से प्रोसेसिंग किया जाता है। दोस्तों स्टेटमेंट देने का एक सिंपल प्रोसेसिंग होता है, आपके साथ आपका वकील खड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, पहले आपका शपथ पत्र लगता है उसके बाद में उसको मैचिंग कराई जाती है। आज की डेट पर तो डिजिटल इंडिया हो गया तो डिजिटल आपकी फोटो लगती है, डिजिटल आपके सिग्नेचर होते हैं, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होते हैं। हाँ ये सब कुछ प्रोसेसिंग इस वजह बताना जरूरी होता है दोस्तों स्टेप टू स्टेप कि आज कल की डेट में कई बार वकील लोग क्या करते हैं कि अपनी कमाई के जरिए सोच के नोटरी टाइप की एक शादी करा देते हैं जो अनवैलिड होती है। अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो आपको पहले शपथ पत्र देना पड़ेगा, उस पर सिग्नेचर करना, दोनों की फोटो डिजिटल सिग्नेचर सब कुछ प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है, उसके बाद में मजिस्ट्रेट के पास फाइल फूंकती, मजिस्ट्रेट साहब आपसे नॉर्मली सवाल जवाब करते हैं और उसके बाद आपकी शादी हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट का ये सिंपल प्रोसेसिंग होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट आपके माइंड में रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम।